अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पंद्रह अगस्त शुभ दिन हम मनाई, चला सखी चला आज अंगना लिपाई, चला सखी चला आज अंगना लिपाई, चला सखी चला आज अंगना लिपाई। पंद्रह अगस्त दिन, पंद्रह अगस्त दिन शुभ हम मनाई, पंद्रह अगस्त शुभ दिन हम मनाई, चला भैया चला आज अंगना लिपाई, चला सखी चला आज अंगना लिपाई। Thank you.
फिर करन में मिलनी आजादी, फिर करन में मिलनी आजादी, जेकर जिंदगी भरी बर्बादी, जेकर जिंदगी भरी बर्बादी, वही शहीद वही शहीद नाम दोहराई, चला सती चला आज अंगनाल पाई, चला सती चला आज अंगनाल पाई, 15 अगस्त दिन शुभ हम मनाई, 15 अगस्त दिन शुभ हम मनाई, चला सती चला आज अंगनाल पाई, चला सती चला सुभूमि भैया भारत पे देश वासी।
नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद है गोरखपुर महानगर में। भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस का जो अमृत महोत्सव है कुछ खासा और कुछ यूनिक हो रहा है। गोरखपुर में भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के उप निदेशक हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी और सांस्कृतिक विभाग के आप प्रभारी भी हैं। सर, पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और कितना विहंगम होता जा रहा है क्योंकि भारत का अमृत महोत्सव जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है वो पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष जो समारोह है उसी के अंतर्गत एक श्रृंखला चल रही है जिसमें आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये आज़ादी सावन गीत का हम आयोजन कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर एवं रोटरी क्लब मिड टाउन के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख भी रहे होंगे कि दिनांक 9 अगस्त 2021 से लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज ये सावन के महीने में चूँकि ये आयोजन हो रहा है तो इसको हमने स्वतंत्रता सावन से जोड़ दिया है और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया है। कुछ खास संदेश स्वतंत्रता दिवस पर हमारे तमाम जनपदवासियों को? देखिए, पूरे जनपद गोरखपुर में, पूरे गोरखपुर मंडल में आप देखेंगे कि सभी लोगों की भागीदारी हुई है जिसमें स्कूल से लेकर के सभी विभागों द्वारा ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और जिलाधिकारी महोदय ने सभी को विभागों को निर्देश भी दिया था कि सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उसी क्रम में सारे विभाग भी इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आप भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी के आप सदस्य भी हैं और भोजपुरी के महानायक कहा जाए, सिंगर कहा जाए, इनकी कई उपलब्धियां हैं, गिनाएंगे तो काफ़ी समय भी लग जाएगा। खास बातचीत करते राकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। कैसा लग रहा है सर, पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया आपने? ये सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा, पूरे कलाकारों की ओर से धन्यवाद दूंगा, पूरे गोरखपुर की ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रेक्षागृह गोरखपुर वासियों को दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही सुंदर, जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में आए हुए हैं और इतना सुव्यवस्थित जो आज प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।
और क्या कहना चाहते हैं सर विशेष कार्यक्रम में, चूंकि आपकी भी एक प्रस्तुति हुई है उसके बारे में भी जनता को बता दीजिए और यहाँ के विषय में भी बता दीजिए। देखिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे भारत में ये पूरे साल भर ये मनाया जाएगा अमृत महोत्सव, 75वां ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। और आज रोटरी क्लब और क्षेत्रीय सांस्कृतिक के संयुक्त तत्वाधान में, संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें महिलाएं और पुरुष एक बहुत ही ढंग से, जिस तरह आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक हर्षोल्लास है, एक सभी में एक बहुत ही खुशी है कि हम लोग कल 75वें उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज सभी लोग बहुत ही खुशी से पूर्व संध्या पर यह स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। हम लोग दो शब्द या दो गुनगुना दीजिए हमारे तमाम दर्शकों के स्वतंत्रता दिवस मना। बिल्कुल, उन जो शहीद हमारे आज इस देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया, उनके लिए चूंकि सावन चल रहा है, कजरी के बोल रहा हूँ कि झूल गई ले झूलनवाना, झूल गई ले झूलनवाना, अपने देश धर्म पर बलि होके झूली गई ले झूलनवाना, अपने देश धर्म पर बलि होके झूली गई ले झूलनवाना, भैया मान मोर कहनवा बदले खातिर जमनवाना। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में रोटरी क्लब और क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो संस्था है उसके तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया गया। आपने देखा कि डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी ने भी इसको खूब सराहा है, इस कार्यक्रम को जो कराया जा रहा है। और हमारे साथ खास बातचीत आपने सुना, राकेश श्रीवास्तव जी यहाँ पे मुख्य अतिथि बतौर आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह का प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की आन बान शान बने हुए काफ़ी वाकई काबिले तारीफ है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का कार्यक्रम किया गया है और पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसकी भी खूब सराहना यहाँ पे की गई। काफी प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है, जो यहाँ के आम लोक कलाकार थे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपनी प्रस्तुतिकरण दी है। और भारत स्वतंत्र हुआ और तमाम तरह की कहानियां जो है स्वतंत्रता से संबंधित उसको भी यहाँ पे बखूबी प्रदर्शित किया गया है। गोरखपुर से प्रौती वाली प्रभा साची, न्यूज नेटवर्क।